हेलो दोस्तों, आज की इस भागम भाग जिंदगी में लाइफ में बहुत समस्याएं आ रही हैं। हर मनुष्य कुछ ना कुछ टेंशन से घिरा हुआ है। कुछ ना कुछ पारिवारिक तनाव है, कुछ बाहरी तनाव है, कुछ ऑफिशियल तनाव है। सबसे प्रमुख तनाव है परिवार का। हर इंसान सोचता है परिवार में जब जाऊंगा तो दो खुशी के पल जीने को मिलेंगे, और अपने हिंदुस्तान में जॉइंट फैमिली की तरह ही लोग रहते हैं। यहाँ पर भावनाओं की कद्र होती है। हमारे इस भारतवर्ष में भावनाओं से जुड़े हुए हैं लोग। अगर किसी की भावनाओं को किसी व्यक्ति ने ठेस पहुँचा दी तो उसके हृदय को बहुत दुख होता है। जैसा कि डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहाँ भावनाओं की कोई इज्जत नहीं है। आपको किसी के साथ व्यवहार पसंद नहीं आ रहा, तुरंत संबंध तोड़ देते हैं। किसी के साथ अच्छा आ रहा, तुरंत संबंध जोड़ लेते हैं। वहाँ भावनाएं का कोई अहम नहीं है। अपने हिंदुस्तान में भावनाएं महत्व रखती हैं। अब एक प्रमुख समस्या आप लोग रोज़ गुजरते होंगे अपनी पारिवारिक फैमिली में, कि जैसा कि आपके कोई रिलेशन में कोई व्यक्ति है और आप उसके साथ अच्छा ट्रीट करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, पैसा भी उसके ऊपर खर्च करते हैं, और संबंध बनाने का आप अच्छी तरह से रिलेशन बने रहें ये भी प्रयास करते हैं, रिश्ते भी बने रहें, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं कर रहा है और आपकी थर्ड पर्सन से बुराई करता है। और जब आप थर्ड पर्सन के द्वारा वो निंदा या बुराई आप सुन लेते हैं तो आपकी भावनाओं को ठेस निश्चित पहुँचेगी कि मैं तो यार उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, इसको यार पता नहीं क्या हो गया, ये तो मेरे साथ दुश्मनी का भाव रख रहा है, बैर का भाव रख रहा है, मैं तो इसके लिए गर्दन काटने के लिए तैयार था, जान देने के लिए तैयार था। तो कई बार इन सब बातों को लेकर के आप टेंशनाइज हो जाते हैं, और उसी टेंशन में हो सकता है कि आप बीमार भी हो जाएं। आजकल ये जो प्रॉब्लम आ रही है, हाइपरटेंशन, बीपी हाई लो, डायबिटीज, ये सब टेंशन की बीमारियां ही तो है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान नहीं देना है। आपने जो थर्ड पर्सन से अपनी बुराई सुनी, उन बातों को आप इग्नोर कर दीजिए और उस व्यक्ति से वैसे ही व्यवहार करिए जैसा कि आप पहले करते थे। एक दिन समय ये आएगा कि वो आपके सामने ज़रूर नतमस्तक होगा, वो समझ जाएगा लास्ट में कि ये इंसान अच्छा है। तो अगर आपको सफल होना है, विकास करना है, तो बुराई करने वालों की तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उनकी बातों को आप छोड़ दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि उनका फाउंडेशन ख़राब है, उनकी आदत नहीं सुधर सकती है, और वो वैसे ही व्यवहार करते रहेंगे जैसे कि उनकी फाउंडेशन ही ख़राब है। तो इसीलिए आप उनकी बातों पर ज़्यादा विशेष ध्यान ना दीजिए, इससे नुकसान स्वयं का होता है। कुछ प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत आती हैं। तो आप के लिए सबसे अच्छी सलाह है, आप वैसे ही ट्रीट करते जाएं, वैसे ही उसके साथ मधुरता और प्रेम के संबंध रखें, तभी आप अपने जीवन को खुशी बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं। और कभी भी झगड़ने का प्रयास किसी से ना करिए, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति से आपको कभी भी कोई काम पड़ जाए। जैसा कि कोई गंदा पानी है, तो यदि अगर पीने के काम नहीं आ सकता तो आग बुझाने के काम तो आ ही सकता है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखें, किसी भी व्यक्ति से अपने रिलेशन या संबंध तोड़ने का प्रयास ना करें। धागा जो प्रेम का है वो टूटना नहीं चाहिए। अगर आप किसी से जुड़ते हैं तो आप हमेशा जुड़े ही रहिए। आप ये मत सोचिए कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है, आप उसके लिए करते जाइए। ये आप अपने मन में तमन्ना ना रखें कि मैंने यार आज उसके लिए 1000 रुपये खर्च किए तो वो भी मेरे लिए 1000 रुपये खर्च कर दे, ये बिल्कुल भी ना सोचिए। आप करते जाइए, क्योंकि संबंध बने रहने चाहिए।
इंसान से कभी भी किसी का भी काम पड़ सकता है। और क्या यार, इस दुनिया में लड़ने झगड़ने के लिए आए हैं क्या हम लोग? लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आए हैं दोस्तों, 60-70 साल की लाइफ है, इंसान खुशी से जी, हैप्पी लाइफ होनी चाहिए। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें और तनाव मुक्त रहें, हैप्पी रहें, डेवलप करें, विकास करें। थैंक यू दोस्तों।